तो वी आर डूइंग चैप्टर नाजिज्म इन जर्मनी. वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर. तो इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन अबाउट वाइमर रिपब्लिक, वाइट फील्ड, देन अबाउट हिटलर, उसकी पॉपुलैरिटी का रीजन. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स, देन प्लीज रेज योर हैंड. एंड जो क्लास में बच्चे बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो शेयर देयर व्यूज विद मी. कि अगर इस किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, यू कैन टेल. ठीक है. तो वी हैव डन हाउ हिटलर बिकेम पॉपुलर. पॉपुलर वर्ड अलग है. फिर मैं बोलूँ हाउ ही केम टू पावर अलग है. दोनों में फर्क है. पावर वाले में इनेबलिंग एक्ट नहीं लिखोगे, नंबर कट जाएंगे. हाउ हिटलर बिकेम पॉपुलर, तो आपने उसकी पर्सनैलिटी, उसका ही वॉज गुड स्पीकर, प्रोमिसेस, ये सब बताना है. एंड हाउ ही केम टू पावर, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, ये सब आएगा. कैसे उसने राइट्स को लोगों के, कैसे सबसे पहले तो वो वोट इलेक्शंस में जीतता, उसकी पार्टी जीतती, उसे आप कहोगे कि ज़्यादा वोट्स पड़े उसकी पार्टी को. 1928 में तो पड़े नहीं थे, 1932 के इलेक्शंस में उसकी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिले. तो हिटलर को चांसलर बनाने के लिए प्रेसिडेंट ने कॉल की, बट हम खुद ही कहते हैं कि मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी. तो हिटलर ने अपने सारे एनिमीज कहाँ भेजे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. यू हैव रेड ऑल. अब हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया, उसके अकॉर्डिंग उसने हर चीज अपने अंडर कर ली. तो इन दिस वे नाजिस जो थे वो पावर में आ गए. आते ही उसने अब जो जो उसके प्रोमिसेस थे उसने पूरे करने की कोशिश की. हिटलर ने लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया. ज्यूज को लोएस्ट रैंक पे रखा, ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स को, एंड आर्यन, नॉर्डिक जर्मन आर्यन को टॉप रैंक पे रखा. वो खुद ही कहता होता था कि आर्यन जो है ना वो धरती पे अकॉर्डिंग टू विश ऑफ गॉड है, गॉड गिफ्टेड है. एंड जो ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स है ना, वो कहता था दे आर अगेंस्ट द विश ऑफ द गॉड है. वो जो लोग मेंटली फिजिकली फिट नहीं होते थे उनसे भी इनजस्टिस करता था हिटलर. तो कहीं ना कहीं वो आर्यन के लिए लैंड बढ़ानी चाहता था. तो इसके लिए उसने जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट, उसने नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक किए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की. हर बात में आर्यंस को नंबर वन रखना चाहता था. और ज्यूस जो थे वर्स्ट सफरर थे नाजी जर्मनी, उन्हें गैस चैम्बर्स भेजता था. आर्यंस का नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता था, ज्यूस का नंबर कम करना चाहता था. आर्यंस मदर्स को उसने रिवॉर्ड्स दिए, ज्यूस मदर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रेड ऑल. तो कैसे उसने बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी, उन्हें बॉक्सिंग कंपल्सरी की, उन्हें आयरन हार्टेड आयरन बच्चों को बनाना चाहता था, गर्ल्स को काइंड हार्टेड. तो उसने बॉयज एंड गर्ल्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया. तो नाजी जर्मनी में वुमेन जो थी वो राइट्स नहीं मांग सकती थी. फ्रांस की वुमेन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फ्रांस की वुमेन की लाइफ अच्छी थी, नाजी जर्मनी की वुमेन की लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी. वो अपने राइट्स की डिमांड भी नहीं कर सकती थी. तो इस वजह से यू हैव रेड ऑल. अब अगर हम आगे पढ़े तो हिटलर के पीरियड में हो हिटलर एस्टैब्लिश्ड, हो नाजीज एस्टैब्लिश्ड देयर फुल होल्ड ओवर जर्मनी. नाजीज ने जर्मनी पे अपना पूरा होल्ड कैसे बनाया, इसमें आपने ये पढ़ना है कि हो नाजीज एस्टैब्लिश्ड देयर फुल होल्ड ओवर जर्मनी. ऐसा क्या क्या किया? सबसे पहले तो आप कहोगे कि हिटलर ने जो लोगों को सिविल राइट्स मिले हुए थे, सस्पेंडेड ऑल द सिविल राइट्स ऑफ द पीपल गिवन बाय वाइमर रिपब्लिक, ताकि लोग ही उसकी उसके अगेंस्ट ना बोल पाए. तो फिर उसने हर चीज अपने अंडर की, मीडिया, जुडिशरी, इकोनॉमी, आर्मी, एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर. तो उसने हर चीज अपने अंडर की. नेक्स्ट, उसने जितने भी यूथ थे देवर फॉलोअर्स ऑफ हिटलर, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देवर टॉट टू वर्शिप हिटलर. देयर माइंड्स वर इंजेक्टेड विद दिस वर्शिप हिटलर एंड हेट द एंड टू हेट द ज्यूज. शुरू से उनके दिमाग में ये बात भरी गई थी कि ज्यूज के साथ नफरत करो, हिटलर की पूजा करो. तो यूथ उसकी फॉलोअर थी. ही ब्रोट सोल्जर्स अंडर हिज कंट्रोल बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर. तो सोल्जर्स भी कहीं ना कहीं इसके फॉलोअर थे. ही ब्रोट द पीपल ऑफ जर्मनी
under his control by promising that he would took them out of the distress situation. तो लोग भी कहीं ना कहीं उसे मसीहा मानते थे, तो इस वजह से नाजिस जो थे इनका पूरा होल्ड था। तो फिर साथ में आप बताओगे कि जो वहां पे सारे हम कहेंगे कि सारे जो आर्यन थे ना वो बुरे नहीं थे। Some Aryans had their sympathies with Jews, but they could do nothing. They saw each and everything silently. Mass killing of the Jews, they saw each and everything silently because they feared from, डरते थे from the Nazis. वो कहीं ना कहीं Nazis से डरते थे। तो it means उसने अपना hold पूरा setup किया हुआ था Nazis ने। वैसे भी under Nazis जर्मनी वाज अ पुलिस स्टेट, तो जगह जगह सिविल यूनिफॉर्म में पुलिसमैन थे। पीपल वर नॉट अलाउड टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर, अगर कोई बोलता तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन। इन दिस वे वी कैन से नाजीज एस्टैब्लिश देयर फुल होल्ड ओवर जर्मनी। एक आता होता है प्रोपेगेंडा वाला टॉपिक, नाजी प्रोपेगेंडा, तो उसमें आपने क्या बताना है अगर आपको ये आ जाए। तो इसमें आप बताओगे नाजिस ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई, तो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एंड साथ में आप कहोगे कि इन्होंने कार्टून्स कैरिकेचर्स ये सब बनाए। सबसे पहले तो हम कहेंगे नाजिस मेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, दे आल्सो मेड कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स। इन दीज दे शोड द बैड करेक्टर्स ऑफ द ज्यूज, दे शोड ज्यूज एज किडनैपर murderers and greedy people. He showed these documentaries to Aryan children. Aryan बच्चों को ये documentaries दिखाई। It means उसने Aryan बच्चों के मनों में शुरू से ही ये बात भर दी कि ये जो Jews है ना ये अच्छे नहीं होते। तो in this way हम कहेंगे तो उसने नफरत का प्रचार किया, और साथ में उन्हें कहा जाता था कि नॉट अलाउड टू लिव इन नाजी जर्मनी। ज्यूज वर फोर्स टू लीव नाजी जर्मनी एज दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन नाजी जर्मनी, सेंट टू गैस चैंबर्स फॉर मास किलिंग। तो ये सारा नाजी प्रोपेगेंडा था। इन दिस वे ही स्प्रेड द हेटर्ड फॉर ज्यूज, उसने ज्यूज के लिए नफरत का प्रचार किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कार्टून्स बनाए, कैरिकेचर्स बनाए जिसमें सारे ज्यूज के बुरे करेक्टर दिखाए। अब एक बच्चा बिगनिंग से एक बैड करेक्टर वाला पर्सन देखेगा, जैसे उसको किडनैपर मर्डरर दिखाएगा कोई, उसे करेक्टर में एक ऐसे लोगों को एक किडनैपर मर्डरर दिखाना, बीडी दिखाना, मनी के बैग के ऊपर बैठे हुए दिखाना कि पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसे इस वे से उसने आर्यन बच्चों के मनों में ज्यूस के लिए नफरत का प्रचार किया। अब आफ्टर कमिंग टू पावर, अब हिटलर पावर में आ चुका है जर्मनी में, तो उसने नाजी जर्मनी में कैसे कैसे एस्टैब्लिशमेंट, कैसे कैसे वो डेवलपमेंट की। सबसे पहले तो इसमें आपका आ गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, बिकॉज बिफोर कमिंग टू पावर हिटलर प्रॉमिस दैट ही वुड ब्रिंग बैक राइन वैली, ही वुड इंडस्ट्रियल टाउन लाएगा, ही वुड टुक रशियंस सॉरी ही वुड टुक द पीपल ऑफ जर्मनी अंडर द From the distress situation. तो ऐसे वाले promises किए हुए थे। अब उसे वो सब कुछ पूरा करना था। उसने ये भी कहा था कि he would denounce the terms of the Treaty of the Versailles. तो अब सबसे पहले हिटलर ने की economic recovery, economic reforms introduce किए। ये उसकी reconstruction का part है, economic reforms. इसके लिए उसने एक इकोनॉमिस्ट जल्मर शैट, लर्न द नेम, ही वॉज द इकोनॉमिस्ट ऑफ हिटलर। हिटलर के इकोनॉमिस्ट का नाम बताओ, जल्मर शैट। हिटलर ने सारा इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्मर शैट को दी। अब ये उसने रिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो उसने कहा कि इकोनॉमिक
रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, इकोनॉमिक रिकवरी करनी है। तो उसने जलमर शैट, उसका एक इकोनॉमिस्ट था, उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब जो जलमर शैट था ना, वो कहता होता था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, ही बिलीव्ड इन फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट। उसको होता था कि अगर लोगों के पास काम होएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, सबके पास जॉब्स होएंगी, तो अपने आप लोगों की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी, और नाजी जर्मनी में जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो सॉल्व हो। आप इमेजिन करो ना कि ऐसी कंडीशन कंट्री में हर पर्सन के पास जॉब अपॉर्चुनिटी हो, यही रीज़न है वो कंट्री डेवलप्ड नेशन बनती है। हमारी क्यों डेवलपिंग है? बिकॉज सो मैनी पीपल इन अवर कंट्री आर अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं कंट्री डेवलपिंग रहेगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी कंट्री के लोगों की, अगर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी। तो ये जलमर शैट जो था ना, ये कहता था फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, एक काम भी पूरा हो इंडस्ट्रीज में और लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हो। तो इसका जो प्रोजेक्ट था वो लेके आए, उसने इंट्रोड्यूस की जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार वॉक्स वैगन। तो ये उसका प्रोजेक्ट जो था, जर्मन सुपर हाईवे एंड पीपल्स कार वॉक्स वैगन, उसने इंट्रोड्यूस की थ्रू इस प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट, ये तो थी उसकी इकोनॉमिक रिकवरी में, उसने ये सब कुछ किया। अब हिटलर ने क्या किया, राइन एंड रूहर वैली वापस लेके आया, ही रीऑक्यूपाइड राइन एंड रूहर। तो राइन एंड रूहर उसकी, हम अगर कहें कि हिटलर ने राइन एंड रूहर को अपने अंडर किया, इंडस्ट्रियल टाउन वापस लेके आया, बिकॉज बिफोर कमिंग टू पावर ही प्रॉमिस दैट ही वुड ब्रिंग बैक हिज इंडस्ट्रियल टाउन्स। अब हिटलर ने आप कहोगे कि उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों को इकट्ठा किया, दोनों को रीयूनाइट किया, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी बाय द स्लोगन। उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। अपने आप सोचो, जर्मनी का तो वो था ही, ऑस्ट्रिया उसकी बर्थ प्लेस थी। उसने जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया को इकट्ठे किया, ही यूनाइटेड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बाय गिविंग द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। तो इस वे से उसने ये वाला स्लोगन दिया। तो हिटलर ने राइन एंड रूहर को अपने अंडर किया। अब हिटलर ने, क्योंकि हिटलर जर्मनी की हिटलर वांटेड टू गिव वास्ट स्पेस टू द आर्यन पीपल इन नाजी जर्मनी, फॉर दैट ही डिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बिलीव करता था। तो उसने क्या किया, उसने ईस्टर्न यूरोप पे भी अटैक कर दिया, उसने पोलैंड पे अटैक किया और पोलैंड को अपने अंडर किया। देन ही अटैक ऑन ईस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप सोवियत रशिया पे, ही डिड नॉट गेट सक्सेस। ईस्टर्न यूरोप पे इसलिए अटैक किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू फुलफिल दैट डिमांड्स ऑफ फूड, क्योंकि उसको था कि अगर लैंड बढ़ गई, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गई, तो आर्यंस को फूड की भी शॉर्टेज फेस ना करनी पड़े। तो फॉर दिस, अब फूड की शॉर्टेज को दूर करने के लिए ही अटैक्ड ईस्टर्न यूरोप। तो ही डिड नॉट गेट सक्सेस, उसे सक्सेस नहीं मिली ईस्टर्न यूरोप में, उसे सक्सेस नहीं मिली। बट दिस स्ट्रेंथन्ड हिज क्लेम, इससे हिटलर जो था ना, ये उसका सबसे बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर भी कहा गया। ये ईस्टर्न यूरोप पे जो अटैक किया ना, नोन एज हिस्टोरिक ब्लंडर, तो ये उसका हिस्टोरिक ब्लंडर भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया, जब उसने किस पे अटैक किया, ईस्टर्न यूरोप पे अटैक किया। क्यों अटैक किया? फूड की शॉर्टेज ना हो किसको, आर्यंस को। अब लैंड के लिए तो उसने जियो पोलिटिकल कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया था, उसने पोलैंड पे अटैक किया। पोलैंड पे अटैक करने के बाद उसने सबसे बड़ी गलती जो की, दैट वाज अटैक ऑन सोवियत यूनियन। ईस्टर्न यूरोप डिड नॉट गेट सक्सेस,
तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यहाँ पे हिटलर का हिस्टोरिक ब्लंडर कंसिडर किया गया ये वाला, यही बाद में रीजन बने कि ही गॉट डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि रशिया जो है वो लाइट पावर्स का पार्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी रशिया वॉज द पार्ट ऑफ लाइट पावर्स, पर रशिया ने पूरी वार नहीं लड़ी थी। अब यहाँ पे रशिया ने पूरी वार लड़ी सेकेंड वर्ल्ड वार, तो रशिया तो सुपर पावर बना था, यू नो इट वेरी वेल कि लेनिन था, रशिया भी गेम सुपर पावर अंडर ज़ार, नो डाउट इट वॉज बैकवर्ड कंट्री बट लेटर ऑन इट बिकेम सुपर पावर। तो कहीं ना कहीं रशिया सुपर पावर बन चुका था, तो इस वार में रशिया जो था वो पावरफुल कंट्री था। जर्मनी फिर हारा इस वार में, हिटलर ने अपने ऑफिशियल्स के साथ, नाजी ऑफिशियल्स के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सुसाइड कमिट किया, क्योंकि उनको था कि अगर वो खुद को नहीं मारेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं ज्यूज जो है वो मार देंगे। तो दैट्स वाई हिटलर विद हिज बिलवड कमिटेड सुसाइड। नाजी ऑफिशियल्स ने भी सुसाइड कमिट किए क्योंकि उन्होंने ज्यूज के साथ बहुत पुअर ट्रीटमेंट किया था इन नाजी जर्मनी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर हारा तो उसको कहीं ना कहीं ये डर था कि अब ज्यूज जो है वो अपना बदला लेंगे नाजी से। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हिटलर ने जो उसके हिस्टोरिक ब्लंडर था उसका उसको रिजल्ट मिला, ही गॉट डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये था सारा हिटलर का आपको लर्न करना कि हाउ हिटलर केम टू पावर एंड हाउ ही रिकंस्ट्रक्टेड नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले उसने किसको अपॉइंट किया, झलमर शैट। आपको पता है इसको बाद में इसने डिसमिस भी कर दिया था जॉब से, क्योंकि हिटलर ने हम कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन में आर्मी की भी रिकंस्ट्रक्शन की थी। आर्मी की रिकंस्ट्रक्शन में उसने क्या किया, उसने नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज किए। अब झलमर ने हिटलर को रोका कि नॉट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी की अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा उसमें। तो हिटलर की डिक्शनरी में हम कहते हैं देयर वॉज नो स्पेस ऑफ नो, हिटलर की डिक्शनरी में नो की स्पेस नहीं थी। तो हिटलर ने झलमर को ही उसकी जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उसे नो, अगर कोई कहता था ना किसी बात को नो, तो दैट वॉज नॉट टॉलरेटेड बाय हिटलर। तो झलमर ने उसे नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज करने से रोका था, बिकॉज अभी अभी तो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, तो अभी अभी तो वो सारी रिकंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो उसने बोला कि अभी इतना बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन ना बढ़ाए, क्योंकि तो अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज होंगे तो सैलरीज देनी पड़ेगी। तो इस वजह से, और साथ में हिटलर ने जापान, इटली, जर्मनी, जापान, इटली के साथ एक ट्री पार्टेड पैक्ट भी साइन हुआ था, इटली, जापान एंड जर्मनी का एक ट्री पार्टेड पैक्ट भी साइन किया था उसने। आप ट्री पार्टेड होता है तीन पार्टियों में एक समझौता होना, इटली, जापान एंड जर्मनी में। अब इस ट्री पार्टेड पैक्ट से ना हिटलर की पावर जो थी ना पूरे इंटरनेशनल लेवल तक स्प्रेड हो चुकी थी, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में हिटलर पॉपुलर होता जा रहा था, ओनली बिकॉज ऑफ उसकी जो पावर थी वो बढ़ गई। उसने ट्री पार्टेड पैक्ट भी साइन किया था, कौन कौन सी कंट्रीज में ट्री पार्टेड पैक्ट साइन हुआ, जापान, इटली एंड जर्मनी। उसने किसको यूनाइट किया, किसको इकट्ठे किया, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, और कौन से स्लोगन के साथ यूनाइट किया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। लीडर कौन है, हिटलर, लीडर हिटलर है। वन पीपल कौन है, उसको लगता था कि जापान और ऑस्ट्रिया के, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के लोग एक ही हैं। वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, देखो ऐसे वाले उसने स्लोगन दिए। तो साथ में उसने थ्री पार्टेड पैक्ट साइन कर लिया, किस किस के साथ साइन किया, जापान, इटली एंड जर्मनी में हुआ, दिस स्ट्रेंथन इज क्लेम ओवर इंटरनेशनल वर्ल्ड। अब आपको पता है जापान हिटलर के साथ था, तो जापान को इस वर्ल्ड वार में बहुत बड़ी पनिशमेंट मिली। यूएस ने जापान की टू सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे। रीजन क्या था कि जापान ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था इस हिटलर के साथ मिलकर। ओवर कॉन्फिडेंट होने से जापान ने क्या किया, यूएस के नेवल बेसिस पे जाके अटैक कर दिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। यूएस अभी वार में नहीं आया था, यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भी अपने आप एंट्री नहीं की,
यूएस वार में नहीं आया, यूएस आराम से अपने घर बैठा हुआ था। तो जापान ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हिटलर के साथ, क्योंकि हिटलर ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी ये कंट्रीज। तो जापान ने यूएस के नेवल बेसिस पे अटैक किया, तो यूएस ने पूरे वर्ल्ड में टेरर क्रिएट किया बाय थ्रोइंग एन एटम बम जोन टू जापनीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो इस वे से सिर्फ हिटलर को ही पनिशमेंट नहीं मिली, उसके साथ जो कंट्रीज थी उन्हें भी इसका लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रीपार्टिट एग्रीमेंट साइन किए हुए थे। तीन पार्टियां इकट्ठी बनी हुई थी, जर्मनी, जापान, इटली, वो इकट्ठे थे, तो इनको भी हिटलर के साथ साथ लॉस हुआ। तो दिस इज अबाउट द होल चैप्टर। तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब बाद में अगर हम कहते भी हैं कि अगर लोगों ने इस तमाशे को देखा तो चुपचाप देखा, नाजी जर्मनी ने कुछ नहीं किया, आर्यंस ने डिड नथिंग फॉर द ज्यूज, दो दे हैड सिंपथीज, चरण के पास सिंपथीज थी, तो हिटलर की बातें पूरे वर्ल्ड तक क्यों नहीं गई? अगर इतना क्राइम हो रहा था वहां पे, इतनी क्रूअल एक्टिविटीज हो रही थी इन नाजी जर्मनी, तो क्यों बातें बाहर तक नहीं गई? बिकॉज मीडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर, तो वो बातें नाजी जर्मनी से बाहर जाती नहीं थी। हिटलर वैसे भी ही यूज स्पेशल वर्ड्स, वो कभी भी मास किलिंग वर्ड यूज नहीं करता था, मर्डर वर्ड यूज नहीं करता था, ही यूज स्पेशल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइल सेलिंग पीपल टू गैस चैम्बर, ज्यूज टू गैस चैम्बर, ही सेड टेक देम फॉर फाइनल सोल्यूशन, टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, तो ऐसे वाले वर्ड वो बोलता होता था, इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, इन्हें फाइनल सोल्यूशन के लिए ले जाओ, तो ही स्पोक दीज वर्ड्स, तो ऐसे वाले वर्ड्स बोलता था जिससे लोगों को पता ही नहीं चला कि नाजी जर्मनी में ज्यूज के साथ क्या हो रहा है। बाद में लोगों ने डायरीज में सब कुछ लिखा, और वो डायरीज उन्होंने मिल्क कैन के अंदर डाल के, कह दो कि उन्होंने दबा दी मिट्टी में, मिल्क कैन को मिट्टी में दबा दिया कि कल को अपने आप जब नाजीज का रूल यहाँ से खत्म होएगा, तो गवर्नमेंट को ये मिल्क कैन मिलेंगे और वो डायरीज एज ए प्रूफ कलेक्ट होंगी कि कैसे ज्यूज जो थे दे वर वर्स सफर इन नाजी जर्मनी। तो ये सब कुछ क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि नाजीज का फुल कंट्रोल था, जर्मनी एक पुलिस स्टेट थी, नाजीज का ही होल्ड था, अगर कोई बोलना चाहता भी था तो ही वॉज नॉट अलाउड, कोई भी से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन, तो लोगों ने सब कुछ चुपचाप देखा वहां पे, पीपल डिड नथिंग फॉर द ज्यूज। तो ऐसा था नाजी जर्मनी। तो इज देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस लेसन? फर्स्ट आपको कैसे लर्न करना, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन हाउ टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको विमर रिपब्लिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके अनपॉपुलैरिटी के कॉजेज आने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किस किस में साइन हुई, क्यों इसकी टर्म्स जो थी वो जर्मनी की फेवर में नहीं थी, ऐसा क्या हुआ इस ट्रीटी की टर्म में, विमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेक्ट्स क्या थे। तो अगर हम कहें कि उनका आर्टिकल 48 है ना जो विमर रिपब्लिक का, वो प्रेजिडेंट को वास्ट पावर्स दे रहा है, तो वो अगर हम पावर्स देखें तो हमारी कंट्री में हम प्रेसिडेंट इज इंजॉइंग सेम पावर्स, नो डाउट जर्मनी के लोगों को वो डिफेक्ट्स लगे। अब वो पावर्स क्या थी? प्रेसिडेंट कैन इम्पोज एमरजेंसी, कैन सस्पेंड द राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड इशू ऑर्डिनेंसेस, डिक्री, रूल बाय डिक्री। तो हमारी कंट्री में भी तो ऐसे ही है, प्रेसिडेंट कैन इशू, प्रेजिडेंट कैन अनाउंस एमरजेंसी, अगर कोई भी स्टेट में या नेशनल एमरजेंसी प्रेजिडेंट कैन डिक्लेयर। तो ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी हमारी कंट्री में प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द सिटीजंस, यू नो इट वेरी वेल। तो वहां पे भी तो यही कुछ हुआ, वहां पे भी सेम सब कुछ फॉलो हुआ, वहां पे भी अगर हम कहें कि उनका आर्टिकल 48 जो था ना, उसने प्रेजिडेंट को पावर्स दी, प्रेजिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते थे, प्रेजिडेंट फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते थे, प्रेजिडेंट रूल बाय डिक्री। तो दैट वाज नॉट डिफेक्ट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको हम डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, बट इन जर्मनी पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर को पावर में लाना चाहते थे, इसीलिए वो विमर रिपब्लिक की फेवर में नहीं थे। वैसे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो अगर ये भी हम कहें
तो वहां पे क्या है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते थे वहां पे जर्मनी में, तो इंडिया में भी तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, डिफरेंट पार्टीज ज्वाइन देयर हैंड्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, तो सब कुछ इंडिया में भी तो हम फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स उनको वो डिफेक्ट लगे, वेयर एज दीज वर नॉट डिफेक्ट्स। बस फर्क ये था कि वहां के लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं था, दैट्स वाई उन्हें वो डिफेक्ट्स लगे वेमर रिपब्लिक में के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एक तो ये, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिटलर पावरफुल कैसे हुआ। पहले तो पॉपुलर कैसे हुआ, लग गया, पावरफुल कैसे हुआ, तो उसमें इनेबलिंग एक्ट। फिर क्वेश्चन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप जस्टिफाइड, तो आपको बताना है कि कैसे डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हुई और कैसे डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गई जर्मनी में। वेमर रिपब्लिक तो डेमोक्रेसी लाई थी बट लोग फेवर में नहीं थे, उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफेक्ट्स निकाले। तो हिटलर ने जब इनेबलिंग एक्ट पास किया, ही सस्पेंडेड द राइट्स गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक, इट मीन्स वहां पे किसकी डिस्ट्रक्शन हुई, डेमोक्रेसी की। क्या आ गई, डिक्टेटरशिप, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग सच एज मीडिया, जुडिशरी, आर्मी, हर चीज किसके अंडर थी, इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर। तो इन दिस वे वी कैन से डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप इन नाजी जर्मनी। नो इज इट क्लियर? फिर वहां के यूथ के बारे में पता होना चाहिए, स्कूलिंग पता होनी चाहिए, वहां के सोल्जर्स का पता होना चाहिए। हाउ कैन यू से अंडर हिटलर जर्मनी वॉज पोलिश स्टेट, यू शुड नो। फिर हाउ नाजीज एस्टेब्लिश दर फुल होल्ड, फिर नाजी प्रोपेगेंडा, फिर नाजी जर्मनी में मदर की कंडीशन, और मदर की कंडीशन के साथ कंपेयर दम विद द वुमेन ऑफ फ्रांस। आपको फ्रांस की वुमेन के साथ कंपेयर करना है, फ्रांस की वुमेन की लाइफ अच्छी थी ना, क्योंकि फ्रांस में तो वो पोलिटिकल क्लब्स भी बनाती थी, एसोसिएशन भी बनाती थी, नाजी जर्मनी में सब कुछ अलाउड नहीं था। फिर रिकंस्ट्रक्शन, हिटलर ने जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन कैसे की, पहले तो जल्मर शैट को लाया, फिर उसने ऑस्ट्रिया और उसको जर्मनी को इकट्ठे किया, स्लोगन दिया वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। फिर उसने ट्री पार्टेड पैक्ट साइन किया, और वो ट्री पार्टेड पैक्ट जापान एंड इटली के साथ, और दिस स्ट्रेंथन इज पावर टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो इसमें से नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीज किए, राइन रूट को अपने अंडर लाया, पोलैंड पे अटैक किया, ईस्टर्न यूरोप का अटैक उसे महंगा पड़ा क्योंकि वो उसका एक हिस्टोरिक ब्लंडर कंसिडर किया गया। तो इस वजह से आप इसको लर्न करोगे,